शहीद एसपी अमरजीत बलिहार की याद में 9 साल बाद पहली बार दुमका पुलिस द्वारा काठीकुंड के मैदान में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिसमें सारी व्यवस्था पुलिस विभाग ने अपने खर्चे से किया है। दुमका के एसपी अंबर लकड़ा ने उनकी स्मृति में कहा कि यह शुरुआत है, आगे भी यह परंपरा चलती रहेगी। खेल के उद्घाटन समारोह में डीआईजी सुदर्शन मंडल, डीसी रविशंकर शुक्ला, एसएसबी कमांडेंट मनोरंजन पांडे की पूरी टीम, डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार, एसडीपीओ सदर नूर मुस्तफा के अलावा पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रगान के बाद डीआईजी और डीसी के साथ साहेबगंज और देवघर के एसपी ने किक मारकर खेल को प्रारंभ किया। ये स्वर्गीय अमरजीत बलिया जो तत्कालीन पुलिस से पाकुर थे, जिनकी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 2 जुलाई 2013 को वीरगति प्राप्त हुए थे, उसी के स्मृति में ये टूर्नामेंट का आयोजन दुमका पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पुलिस की भी जो संथाल परगना पुलिस की भी टीम भाग ले रही है। ये बेसिकली हम लोगों का एक कम्युनिटी पुलिसिंग का ही एक रूप है कि जिसके माध्यम से हम लोगों तक, जनता तक हमारी जो पुलिस की जो नज़रिया है उसको पहुँचाएँ, और इसमें जिस तरह के अवांछित तत्व हैं उनको हम मुख्य धारा से जोड़ें, जिसके तहत अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए इस तरह का टूर्नामेंट का आयोजन कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से किया। काठीकुंड के इस मैदान में कुल 16 टीम अपने खेल का प्रदर्शन करेगी और विजेता बनने वाली टीम को 75,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता पुलिस पब्लिक के बीच की खाई को कम करने का प्रयास भी है और सामुदायिक पुलिसिंग भी है। पुलिस विभाग ने मैदान को खूब सजाया है और बड़े ही व्यवस्थित तरीके से इस आयोजन को शुरू करवाया है। खेल की जो प्रेम है उसको आगे बढ़ाते हुए उनके याद में ये टूर्नामेंट हम करा रहे हैं। 16 टीम जो भाग ले रही है, ये 3 दिनों का ये टूर्नामेंट होगा, जो फाइनल मैच 23 को होगा, और हम चाहते हैं कि जो सबसे अच्छा टीम है वही जीते इसमें। काठीकुंड की जनता और साथ साथ पुलिस की प्रशासन एवं प्रशासन के लोग और प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से ये टीम, ये जो प्रतियोगिता है ये ऑर्गेनाइज किया गया है, और सभी का सहयोग बिना ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना मुश्किल था। कम्युनिटी पुलिसिंग, जो सामुदायिक पुलिसिंग हम जो नाम लेते हैं, उसको भी आगे बढ़ाते हुए इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। काठीकुंड नक्सल प्रभावित इलाका है, आदिवासी और पहाड़ी जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ अशिक्षा है, गरीबी है, समस्या का अंबार है। ऐसे में दुमका पुलिस का यह प्रयास कितना असरदार होगा, यह देखने वाली बात होगी। न्यूज विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।